नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड चल रही थी, जिसमें हमने आपको फिजिक्स खंड खा कराना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने पहले चैप्टर खंड खा के पहले चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने टॉपिक प्रकाश के बारे में चर्चा की थी। प्रकाश क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की क्या चाल होती है उसके बारे में चर्चा की थी, तथा दीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज का हमारा जो सेशन रहेगा, आज के हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार क्या हैं, और उनसे संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, तथा अपवर्तन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा दर्पण, जिसको हम मिरर कहते हैं। तो आज हम दर्पण के बारे में जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण कोई भी ऐसा परावर्तक पृष्ठ या फिर चिकना तल जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। कोई भी ऐसा चिकना तल जिससे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, दर्पण कह सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा चिकना या परावर्तक पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। यानी कि ऐसा चिकना या परावर्तक पृष्ठ जिससे ऐसा चिकना या परावर्तक पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यानी कि एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, क्या होता है, ऐसा परावर्तक पृष्ठ या चिकना पृष्ठ जिससे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। यानी कि जिसका एक पृष्ठ कोई ऐसा जो कांच होता है, मोस्टली दर्पण जो होते हैं हमारे किसके बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। तो कांच के एक पृष्ठ पर उसमें क्या करते हैं हम, एक पृष्ठ पर आपने देखा होगा पॉलिश होती है, और दूसरे पृष्ठ से क्या होता है, दूसरा पृष्ठ इतना चमकदार बना दिया जाता है, जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होता है, वहां से आपतित परावर्तित हो जाता है। तो कोई भी चिकना या ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसको हम क्या कहते हैं, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दर्पण के प्रकार, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण, और नंबर दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि पहला हमारा क्या है, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो
समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। नहीं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे मान के चलो ये हमारा कोई समतल पृष्ठ है जिसके एक पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है, यानी कि इधर का पृष्ठ क्या है, इसका पॉलिशदार है, और इधर से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो ये हमारा हो गया क्या होगा, समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, M1 M2 मान लेंगे हम। ये इनके क्या है, इस तरफ ये जो लाइन कर रहा हूं मैं, वो इधर ये इस चीज को इंगित करते हैं कि इधर क्या है, पॉलिश की हुई है, यानी कि इस वाले हिस्से पर क्या होती है, पॉलिश होती है, और इधर वाला जो हिस्सा होता है उससे क्या होता है, हमारा परावर्तन होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे आपको डायग्राम बना के बता दिया हमने किस प्रकार समतल दर्पण का डायग्राम होता है, किस प्रकार बनता है। अब गोलीय दर्पण के बारे में हम चर्चा करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण किसी कांच का कटा हुआ, किसी कांच के खोखले गोले के कटा हुआ भाग होता है, यानी कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होती है जिनके एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश होती है और दूसरा परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं जिसके एक पृष्ठ पर, जिसके एक पृष्ठ पर कलई या क्या होती है, पॉलिश, जिसके एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश होती है, तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं जिसके एक पृष्ठ पर कलई या
पॉलिश होती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है गोली दर्पण कहना, उस प्रकार की संरचना में होता है। तो मान के चलो ये कांच का कोई खोखला भूला है, ये क्या मान लिया हमने, कांच का कोई खोखला भूला है, इसके एक पृष्ठ पर खोखला गोला है, तो हम इसको मान के चलो हम इस एरिए से यहाँ से इसको क्या करें, हम काट देते हैं, इस एरिए से इसको काट दें, तो ये कांच का खोखला भूला है, ये डॉट डॉट बना लेंगे हम, ये कोई क्या है, कांच का खोखला गोला है, ये कोई कांच का खोखला गोला है जिसके एक पृष्ठ पर क्या है, मैंने बताया आपको कलैया पॉलिश है, तो इसका ये पृष्ठ जो है इसको हम पेंट कर दे रहे हैं, ये इसका परावर्तक यानी कि ये क्या हो गया, गोली पृष्ठ पर कलैया पॉलिश हो गई, तो अंदर वाला जो पृष्ठ है वही क्या कहलाएगा, आपका गोलीय दर्पण यानी कि परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। तो ऐसे ही दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है उसको भी हम समझते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में अब हम चर्चा करते हैं, अवतल दर्पण के बारे में। नहीं, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग यानी कि ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर तो पॉलिश होती है और तथा भीतरी तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, जिसके उभरे हुए तल पर कलाई या पॉलिश होती है, कलाई या पॉलिश होती है तथा भीतरी तल से परावर्तन होता है, तथा भीतरी तल से परावर्तन होता है। हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं, चित्र के माध्यम से किस प्रकार इसको समझा जा सकता है, ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है, जैसा कि इसके उभरे हुए तल पर क्या होती है, पॉलिश होती है या कलाई होती है, नाम देते हैं M1 M2, ठीक है, M1 M2। तो इस प्रकार से संरचना होती है। अब यहां से कोई प्रकाश किरण आएगी, इस प्रकार इस पर आपतित होगी और यहाँ से टकरा कर इस प्रकार चली जाएगी। तो गोली दर्पण जो अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण जो होता है हमारा, अवतल दर्पण में गोली दर्पण का ऐसा दर्पण यानी कि ऐसे गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या होती है, कलैया पॉलिश होती है तथा भीतरी तल से परावर्तन होता है, यानी कि इनके भीतरी तल से क्या होता है, परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। अब ऐसे ही हम उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में भीतरी तल पर पॉलिश होती है
उत्तर दर्पण में क्या होता है, भीतरी तल पर पॉलिश होती है तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। तथा उभरे हुए तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। यानी कि ऐसे गोली तर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या होती है, पॉलिश होती है, पर भीतरी तल पर पॉलिश होती है तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे उत्तल दर्पण का हम डायग्राम बनाए तो उत्तल दर्पण क्या होगा, इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं हम उत्तल दर्पण का। तो इसके भीतरी तल पर क्या होता है, इसके भीतरी तल पर ये हमने कर दी पॉलिश, भीतरी तल पर पॉलिश होती है तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगी, यहाँ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। यहाँ पर मध्य बिंदु में क्या होता है, इनका ध्रुव होता है। इनके बारे में बस हम आगे चर्चा करने वाले हैं, गोली दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती है। अब सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद सारी की सारी डेफिनेशन उस डायग्राम से ही समझने की कोशिश करेंगे। चित्र बना दे रहे हैं इधर, ये हमारा काफी बड़ा चित्र बना दिया हमने। ये हमारा कोई गोली दर्पण है, जैसा कि यहाँ वाला ये कटा हुआ भाग होता है गोली दर्पण, किसी कांच के खोखले गोले का क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है, किसी कांच के खोखले का कटा हुआ भाग होता है। इसके जो यहाँ इसका ये सेंटर पॉइंट है, यानी कि इसको हम केंद्र कहते हैं, और केंद्र से आपको पता है केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम दर्पण का क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, यानी कि यहाँ मध्य बिंदु है, इसको पीछे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमने अवतल दर्पण की पूरी संरचना बना दी। यानी कि इसको हम इधर भी ले जा सकते हैं, ऐसे गुजार सकते हैं इस रेखा को एकदम स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में गुजार सकते हैं। यहां से कोई भी दूरी नापोगे इसकी दूरी कितनी रहेगी, बराबर रहेगी। और ये हमारा क्या है, गोलीय अवतल दर्पण, क्या है, गोलीय अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ध्रुव, इनकी ध्रुव क्या होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के, यानी कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं उसके मध्य बिंदु को, यानी कि इनका जो मध्य बिंदु बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस
कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं, उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं, यानी खोखले गोले का भाग होते हैं, उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करती है, इसे P से प्रदर्शित करती है। तो ये जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, P बनाया है हमने, तो ये दर्पण का मध्य बिंदु है, तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ये हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। यहाँ एक पॉइंट और बना दे रहे हैं हम यहाँ पे फोकस बिंदु, यानी ये टोटल दूरी तो हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई यहाँ तक, और ये हमारा जो बिंदु है वो फोकस बिंदु, कौन सा बिंदु हमारा फोकस बिंदु। तो अब हम चर्चा करेंगे वक्रता त्रिज्या, यानी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं, या गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, उसकी त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं गोली दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोली दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोली दर्पण गोलीय दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव, केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं, गोली दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण यानी कि गोली दर्पण के केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित
करती है, इसे शीशे प्रदर्शित करती है। तो गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये कोई गोली दर्पण है, इसका जो केंद्र है इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे शीशे प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो गोली दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव, केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि, केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण का की वक्रता त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे शीशे प्रदर्शित करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं फोकस दूरी पर। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के बारे में पहले समझ लो। तो गोली दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करती है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करती है। गोली दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे की परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। गोली दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण का मुख्य अक्ष, तो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य फोकस पर या फोकस पर। मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है या फिर फोकस क्या होता है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात गोली दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फिर फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो गोली दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है,
तो मुख गोली दर्पण के गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी परावर्तन के बाद या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं आइए आपको एक डायग्राम से समझाता हूं मैं, यानी कि ये हमारा एक अवतल दर्पण का डायग्राम है, जिसका ये मध्य बिंदु P है। यहाँ केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, यहाँ पे इसका केंद्र है, यहाँ पे आपका इसका फोकस है, फोकस बिंदु है। अब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आनी है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये रेखाएं आनी है, आ रही है, और ये क्या होती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये दर्पण के इस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है या फिर गुजरती है। तो इस बिंदु से होकर ये सभी किरणें क्या हो रही है, गुजर रही है। ये हमारा किसका चित्र है, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण। तो इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि जो ये तुम्हारा आपका अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे मिलेंगी, जैसे उत्तल दर्पण का हम डायग्राम बनाए, किरणें सब इधर से ही आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ हमारा केंद्र है, सब किरणें इधर से आएंगी, ये हमारा क्या हो गया ध्रुव मुख्य अक्ष, यहाँ हमारा हो गया ध्रुव,
तो एक रन टकरानी ऐसे, लेकिन यहाँ मुख्य फोकस पर ये क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है लेकिन ये मिलती हुई प्रतीत होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जहां पर प्रकाश किरणें आकर मिलती है। तो अब हम चर्चा करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, प्रकाश का अब हम चर्चा करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मान के चलो पहले मैं चित्र से आपको समझाता हूँ। ये एक माध्यम है, ऊपर का माध्यम हमारा क्या है, वायु है, जो कि माध्यम कैसा है, विरल माध्यम। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। और ये क्या है, हमारा कांच है। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम। ये सघन माध्यम है हमारा। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यहां से कोई प्रकाश किरण आएगी, पहले हम इसका अभिलंब बनाने, यानी कि ये हमारा क्या है, ये एन अभिलंब है। एन क्या है, अभिलंब है। ये अभिलंब है, यहां से प्रकाश किरण आई और थोड़ी सी इधर को झुक जाती है, थोड़ी सी इधर क्या हो जाती है, झुक जाती है। यह हमारा क्या, कैसा माध्यम है, कांच है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कांच कह सकते हैं। यह हमारा माध्यम कांच है, नहीं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। यहाँ ये अभिलंब से आपतन कोण I बनाएगी और यहाँ अभिलंब से अपवर्तन कोण R बनाएगी। ये हमारी प्रकाश आपतित किरण है, ये कैसी किरण है, ये हमारी कैसी किरण है, आपतित किरण है, आपतित और ये हमारी कैसी है, अपवर्तित। अपवर्तित किरण है और ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ आपतन, आपतन कोण आई है और ये आपका बन रहा है अपवर्तन कोण आर। अपवर्तन कोण आर। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के अपवर्तन होने की या प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से
सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में समझ ले रहे हैं हम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर वन, आपतित किरण, आपतित किरण ये वाली, कोमा अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में तीनों एक ही तल में होती है। आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट समझ लो, दूसरा आपतन कोण की जिया साइनाई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइना का अनुपात एक नियतांक आपतन कोण की जिया साइनाई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइनार का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। आपतित किरण यानी कि ये आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यहाँ पर हमारा आपतन बिंदु है, इस पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जिया साइनाई, आपतन कोण की जिया साइनाई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइनार का जो मान होता है का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।